अब गाइस इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पूछा है सिद्धू कामडे ने कि बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब बेन ने एल्पिडो से अल्टीमेट्रिक्स ले लिया तब एल्पिडो विलगेक्स के स्पेसशिप से बाहर कैसे आया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्होंने सवाल पूछा है, इसका जो जवाब है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर वन, छोटे से स्पेसशिप से। अब हम सभी को तो पता है कि कोई भी बड़े बड़े स्पेसशिप होते हैं उसमें से छोटे छोटे स्पेसशिप होता ही है, कोई बचा के रखता है ताकि कभी ज़रूरत के टाइम वो काम आ जाए। हमें बेन 10 क्लासिक के एपिसोड में भी देखने को मिला था कि विलगेक्स जब भी अटैक करने आता था बेन के ऊपर तो विलगेक्स के स्पेसशिप से छोटे छोटे स्पेसशिप भी आते थे। तो क्या पता गाइस ऐसा हुआ होगा कि बेन ने जब अल्टीमेट्रिक्स को लिया तो वहां पर एल्पिडो ने किसी स्पेसशिप को ढूंढा होगा, छोटे वाले स्पेसशिप को, और वहां पर एल्पिडो उड़ के भाग गया होगा वहां से, ऐसा हो सकता है। नंबर टू, स्विमिंग करके। अब हम सभी को तो पता है कि जो विलगेक्स का स्पेसशिप है वह जाके गिरता है पानी में, तो क्या पता वहां पर एल्पिडो स्विम करके भाग गया होगा। अब देखो इतनी देर स्विम करने में तो उसको हालत खराब हो जाएगा, पर ऐसा हो सकता है कि एल्पिडो वहां पर स्विमिंग करके वहां से भाग जाए क्योंकि वहां पर स्विम वह कर सकता था, तो क्या पता यहां पर ऐसा हो भी सकता है, ये कंफर्म नहीं है। नंबर थ्री, किसी टुकड़े की मदद से। अब हम सभी को पता है कि विलगेक्स का जब स्पेसशिप फटा, बहुत जोर से फटा था वह, जिसके कारण वहां पर उसके स्पेसशिप के छोटे छोटे टुकड़े हो गए होंगे। अगर आपने टाइटेनिक मूवी देखा है, बहुत घटिया सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसका, आप लोगों को याद होगा कि वहां पर जो रोज थी वह शिप के टुकड़े के ऊपर बैठी थी और वहां पर उसको बचा लिया गया था। तो क्या पता ऐसा हुआ होगा कि विलगेक्स के स्पेसशिप का एक छोटा सा टुकड़ा होगा जहां पर एल्पिडो वहां पर बैठ गया होगा और किसी ने उसको बचा लिया होगा, या फिर क्या पता एल्पिडो ने चप्पू की तरह यूज करके वो बाहर आ गया होगा, ऐसा हो सकता है। नंबर फोर, कोई ऐसा सूट जो कि विलगेक्स के स्पेसशिप में होगा। हम सभी को पता है कि विलगेक्स का जो स्पेसशिप है वो स्पेस में घूमता रहता है, वह अलग अलग दुनियाओं में जाता है और उन सुपर हीरोज को हरा के उसके दुनिया का राजा बन जाता है विलगेक्स। तो वहां पर विलगेक्स जब अलग अलग जगह जाता है तो उसको वहां पर टेम्परेचर कैसा होगा ये विलगेक्स को पहले से ही पता करना होगा, वहां पर किस तरह का गैस पाया जाता है ये सब विलगेक्स पहले से ही ढूंढता होगा। तो क्या पता वह एक सेफ्टी के लिए एक सूट रखता होगा, तो वही सूट की मदद से वहां पर क्या पता एल्पिडो ने उस सूट को पहन लिया होगा और वह वहां पर उड़ के या फिर किसी तरह भी वहां से भाग गया होगा, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। और जो नंबर फाइव है वो है विलगेक्स ने ही बचा लिया होगा एल्पिडो को। हम सभी को पता है कि विलगेक्स का हमें एक डरावना रूप देखने को मिला था, तो क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि विलगेक्स ने बचा लिया होगा एल्पिडो को कि क्या पता एल्पिडो फ्यूचर में उसका काम आए, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के डबल और नथिंग एपिसोड में हमें यह दिखाया गया था, वहां पर एल्पिडो ने अपने मुंह से ही कहा था कि वह भाग गया था वहां से, तो ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इसके जो चांसेस है वो कम है। इससे पहले जो मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए वो थोड़े से ज्यादा बिलीव करने वाले हैं कि वैसा हो सकता है एल्पिडो वहां से इसी तरह से भाग सकता है। जब से मैं विलगेक्स की शिप से भाग निकला तो इस तरह से गाइस एल्पिडो भागने में सक्सेसफुल हुआ विलगेक्स के स्पेसशिप से। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो गाइस ऐसा करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर भी बहुत अच्छे से मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।